हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, हमारे नवरात्रि का टाइम चल रहा है और बहुत ही पॉजिटिवली फेमिनिन एनर्जी पूरी स्ट्रेंथ पूरी पावर में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि फेमिनाइन पावर, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? लव, कंपैशन और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इंडिपेंडेंट जो एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, जो शक्ति की एनर्जी होती है, वो हर तरह से सक्षम होती है ना? फिजिकली भी स्ट्रांग होती है, मेंटली भी स्ट्रांग होती है, अपने सभी डिसीजंस खुद ले सकती है, इमोशनली भी स्ट्रांग होती है, वीक नहीं पड़ती, अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रांग बनाती है। तो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, शक्ति की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी कलेक्टिव में बहुत ही पॉजिटिवली स्ट्रेंथ में आ रही है, पावर में आ रही है, हील हो रही है फेमिनिन एनर्जी। स्पेशली यहाँ पर जो मैस्कुलिन साइड में इनर फेमिनिन एनर्जी है वो पावर में आ रही है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। फेमिनिन साइड की जो एनर्जी है ऑलरेडी बैलेंस की है, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। इनर यूनियन की एनर्जी में मुझे हमारी डिवाइन फेमिनाइंस दिखाई दे रही है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इस न्यू मून के बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट, एक चेंज की एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। इनर हार्मनी, इनर बैलेंस को डिवाइन के साथ डीपली कनेक्टेड की, इस तरह की एनर्जीज मुझे फेमिनिन साइड से रिसीव हो रही हैं। और इसके साथ साथ आप जो है इस वक्त जितनी भी आपकी विशेज हैं, हो सकता है पास्ट में कुछ आपकी विशेज रही हैं, आपके 3D वर्ल्ड से रिलेटेड कोई होम, न्यू कार बाय करना चाहते थे आप, या फिर अगर अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, इस तरह की आपके विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि आप इस टाइम बहुत हाई वाइब्स में हैं एंड आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है आपने, यहाँ पर आपकी सभी विशेस फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पूरी तरह से इनर यूनियन, इनर हार्मनी को आप एंजॉय कर रही हैं। तो फेमिनिन साइड से मुझे बहुत ही ज्यादा एक सूदिंग पॉजिटिव वाइब रिसीव हो रही है, जो अपनी इस अवेकनिंग के जर्नी में पूरी तरह से एक बैलेंस वाले स्टेज पर पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए, एक बैलेंस तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा बड़ा और मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं होता है अपने इनर बैलेंस को मेंटेन करना। कितनी बार आपको गिराया जाता है, गिरते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, आप फिर से खड़े हो जाते हैं। तो ये आपकी इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर को बाहर लेकर आता है। एंड यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से एक डिवाइन फेमिनिन शक्ति की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम पर। करंटली बहुत सारे पेनफुल साइकल्स आपने भी देखे हैं, एंड किए हैं, और ये सब के बाद ही आप जो है एक बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है करंटली। ये बैलेंस आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप देखेंगे, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं पास्ट में, वो सब चीजें रिजॉल्व हो रही हैं अब धीरे धीरे, और सेल्फ लव में आप आ रही हैं, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मुझे यहाँ पर सूदिंग और रिलैक्सिंग वाइब फेमिनिन साइड से रिसीव हो रही है, और ऐसा भी रिसीव हो रहा है कि कोई सोलमेट हो सकता है आपकी तरफ, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है। सोलमेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कुछ लोगों को सोलमेट एज अ कनेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। तो यहाँ पर आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ पावर देने के लिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट हो सकता है एंटर करे, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, कोई सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल सकता है एज अ सोलमेट। कुछ लोगों को कोई अच्छा गुरु मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छा गाइड करे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करे, तो वो एज अ सोलमेट का हेल्प आपको कर सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स वाले दिखाई दे रही है। तो आप इसी तरह से ग्रो करें, हार्डवर्क करते रहें और अपनी इस इनर यूनियन को एंजॉय करते रहें। यही आपका हार्डवर्क आपके मैस्कुलाइंस को हेल्प करेगा ग्रो करने में।
यहाँ पर शक्ति की एनर्जी राइज हो रही है, तो डेफिनेटली कलेक्टिवली अगर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ पावर में आ रही है, तो मैस्कुलिन साइड की जो एक इमोशनल साइड है जिसे वो बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि ईगो बहुत हाई होता है मैस्कुलिन का, वो यहाँ पर बहुत ईगोइस्टिकली बिहेव करते हैं कि हमारे अंदर इमोशंस तो हैं बट हम दिखाना नहीं चाहते हैं, या ओवरऑल जो है अपने बहुत ईगोइस्टिक होते हैं मैस्कुलिन, वो दिखाना नहीं चाहते हैं अपने इमोशंस को, वो बहुत हाइड करके रखते हैं, बट यहाँ पर जो है उनके इमोशंस अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके फेमिनिन साइड स्ट्रेंथ में आ रही है, अपनी इमोशनल साइड को भी उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस उनके अंदर भी इमोशंस हैं, लव है, अफेक्शन है, कंपैशन है, इस तरह की एनर्जी में मैस्कुलिन को लेकर आया जा रहा है। स्पेशली मैस्कुलिन साइड पर आपको कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है, तो आपकी बॉडी में आपको सेंसेशंस फील होना, या आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आना, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन साइड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है, सोल के साथ डीपली कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को जितना ज्यादा वो स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे, रिजिड बिहेवियर में रहेंगे, तो यहाँ पर उनको पुश एंड ट्रिगर डेफिनेटली मिलेगा। तो मैस्कुलाइंस के लिए यही गाइडेंस है कि लेट गो की एनर्जी में रहें, इस टाइम पर अपने आप को फुली डिवाइन को सरेंडर कर दें, और जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं आप एनर्जीज को उसे एज अ ब्लेसिंग लें, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएं। सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस मोड बहुत जरूरी है इस टाइम पर मैस्कुलाइंस के लिए, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी जब भी एक्टिवेट होती है तो फोर्सफुली होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज रिलीज होती हैं यहाँ पर। तो ये मैस्कुलिन साइड पर इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ, इनर स्ट्रेंथ एंड इनर पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ मैस्कुलाइन शायद रिजिड बिहेवियर कर रहे हैं, अभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी जब भी अवेकन होती है तो फोर्सफुली होती है, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर अलाउ करें खुद को। ये मैस्कुलिन साइड से गाइडेंस निकल कर आई है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, क्योंकि कुछ मैस्कुलिन शायद अभी भी अपने ओल्ड पैटर्न्स को ही फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर रखना, अपनी ईगो को हाई रखना, इस तरह की एनर्जी में अगर अभी भी मैस्कुलिन है तो इस टाइम पर डिवाइन पूरी तरह से जस्टिस के मोड में है, आपको यहाँ पर इन सभी नेगेटिविटीज को अपने अंदर से रिलीज करना ही होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पुश एंड ट्रिगर्स दिए जाएंगे यहाँ पर जो आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, तो यही गाइडेंस है कि अलाउ करें, एक्सेप्ट करें एंड सरेंडर करें, और शेडो साइड्स को, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करें, ये मैस्कुलाइंस के लिए गाइडेंस निकल कर आई है। ठीक है गाइस, आई होप ये एनर्जी अपडेट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जल्दी जल्दी से एनर्जी अपडेट लेकर आया करें, बिकॉज इस टाइम पर चेंजेस तो आ रहे हैं लाइफ में, आप लोगों को जो एनर्जीज रिसीव हो रही हैं, ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आप लोगों की ही हार्डवर्क का फल है, और आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, स्ट्रेंथ में आ रही है, देवी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है आप में से बहुत से लोगों का, हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं मंदिर के, मस्जिद के, या देवी माँ के, तो ये सब चीजें बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए इस टाइम पे कि ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रही हैं। तो ये है आज का एनर्जी अपडेट, आई होप आपसे रेजोनेट करेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस, और लाइक जरूर करें, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।